दुनिया में हर किसी का सपना होता है कि वो दुनिया की फेमस जगहों पर घूमने जाएं और आनंद उठाएं। एक शानदार होटल में ठहरें और वहां के सभी जगहों पर आराम से घूमें फिरें। इस बीच जर्मनी में एक बहुत ही भव्य और सुंदर होटल है जिसमें 10,000 कमरे हैं, लेकिन अफसोस वहां कोई रहने को तैयार ही नहीं होता है। जर्मनी के रियोगेन आइलैंड में बाल्टिक सागर के किनारे बना नाजी होटल अब लग्जरी रिजॉर्ट और अपार्टमेंट में तब्दील हो गए हैं। 10,000 कमरों वाले इस होटल में अब कोई गेस्ट रहने नहीं आता, लेकिन ये बाकी कई कामों में इस्तेमाल हुआ है। इसमें बने लग्जरी से 95% अपार्टमेंट्स पूरी तरह बनने से पहले ही बिक चुके हैं। इसके लग्जरी अपार्टमेंट के 8 ब्लॉक ओपन भी हो गए हैं, जबकि बाकी अभी खुलने की तैयारी में है। साथ ही इसमें बना स्पा रिजॉर्ट और ट्रेंडी रेस्टोरेंट्स पहले हॉलिडे मेकर्स के लिए तैयार हैं। इस होटल को 1936 से 1939 के बीच नाजियों ने बनवाया था ताकि वो यहाँ जिंदगी का मजा लेने के साथ ही अपनी ताकत भी बढ़ा सकें। होटल को बनवाने के पीछे उनका यहाँ जर्मन के कर्मचारियों को खाली वक्त बिताने का मौका देना और इस बहाने अपनी नाजी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना था। इस कॉम्प्लेक्स में 8 अलग अलग इमारतें हैं जो करीब 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हैं। बीच से इसकी दूरी 150 मीटर है। 8 हाउसिंग ब्लॉक के साथ ही थिएटर, सिनेमा, स्विमिंग पूल और फेस्टिवल हॉल हमेशा खाली हो रहे हैं। युद्ध के दौरान है मर्ग के कई लोग यहाँ के ब्लॉक में रुक गए थे। युद्ध के बाद प्रोरा को इस जर्मन आर्मी ने मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह इस्तेमाल किया। 1990 में जर्मनी के एकीकरण के बाद से ये इमारतें वैसी ही खाली पड़ी हैं। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में देश की सभी बड़ी कंपनियां शामिल थी। करीब 9,000 मजदूरों ने इस पर काम किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्रोरा का कंस्ट्रक्शन रोककर सभी मजदूरों को हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया गया था और ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हुआ। समुद्र के सामने वाली प्रोमिनेंट लोकेशन को देखते हुए डेवलपर्स यहाँ होलीडे अपार्टमेंट्स बनाने की सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।